हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाहित यूनिक वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी, अंडे आलू। आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, और आप सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके लिए मैंने पहले से ही आलूओं को बॉईल कर लिया है, और मैंने यहाँ पे 5 अंडे को भी अच्छे से बॉईल करके रख लिया है, और इसका छिलका मैंने अच्छे से उतार दिया है। ये देखिए, अंडे भी अच्छे से उबल चुके हैं और हमारे आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे सबसे पहले फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम डाल देंगे अंडे। इसको हम फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पर अच्छे से। इसमें गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। हम इसे लगातार टर्न करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से इस पर गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए, अच्छा सा ये गोल्डन कलर होना शुरू हो गया है। अंडे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इसे प्लेट पर बाहर निकाल लेते हैं। हम सारे अंडे को बाहर निकाल लेते हैं प्लेट पर, और जो हमारे बॉइल्ड आलू हैं, अब हम उसे इस तरह से बीच से कट लगा लेते हैं। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, और सारे आलू हम अच्छे से कट कर लेते हैं पहले। अब हम सारे आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से हमें आलूओं को दोनों साइड में फ्राई करना है गोल्डन होने तक के लिए। ये देखिए, हमारे आलू अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। हम इसे टर्न कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। ये दोनों साइड से अच्छे से टर्न हो चुके हैं, अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं प्लेट पर। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे आलू क्रिस्पी से तैयार हो गए हैं। इन्हें प्लेट पर बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले, 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता। अब हम इसको ऑयल में डाल देते हैं, और इसको हल्का गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे धीरे आंच पर। ये देखिए, अच्छे से ये फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम भून लेंगे 1 मिनट तक की, ताकि इससे अच्छे से कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। ये देखिए, अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का मैंने प्याज का पेस्ट पर तैयार कर लिया है, वो भी डाल देते हैं। इसको भी हम भून लेते हैं। हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। देखिए, हमारी प्याज भी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे अपने। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं पहले। हम धीरे आंच पर थोड़ी सी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5, इसको डालकर हम धीरे आंच पर पहले भून लेते हैं। सभी मसालों को अच्छे से भूनते हैं। हमारे मसाले बिल्कुल भी कच्चे ना रहे, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी भून लेते हैं, ताकि हमारे मसाले जले भी नहीं और अच्छे से भूंज भी जाए, इससे बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। अब हम इसे मीडियम आंच पर अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भुनना शुरू हो गए हैं, इससे ऑयल भी बाहर आना शुरू हो गया है। हमारे मसाले भुनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आप चाहे तो कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें इसमें बॉईल आने देना है। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक लिया है। इसको डाल देते हैं, इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। हमारे करी में भी बॉईल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई एग एंड फ्राई पोटैटोज, यानी कि आलू और अंडा हम दोनों इसमें डाल देते हैं। इसको हम मिक्स कर देते हैं। देखिए, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से आलू और अंडे में
आ जाए। इसको हम ढक देंगे मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए। इसको हम ढक देते हैं ताकि इसका अंडे का अच्छा सा फ्लेवर हमारी करी में आ जाए। इसके लिए हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को फिर हम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे अंडे आलू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। ऊपर से हम हरी धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी अंडा करी बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे एक प्लेट पर बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त थी हमारी आलू अंडा की करी तैयार हुई है। आप एक बार इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा अंडा आलू बनकर रेडी हो गया है। बाय, अल्लाह हाफिज़।